हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रतूरी। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम सोशल मूवमेंट्स की सीरीज़ कर रहे थे। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिशर फोक्स मूवमेंट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो जैसे कि आप जानते हैं, कई सारे सोशल मूवमेंट्स हम देखते हैं, वीमेंस के मूवमेंट्स हो गए या कई तरीके की फार्मर मूवमेंट्स हो गए, कई तरीके के मूवमेंट्स हम देखते हैं। बट जब हम बात करते हैं फिशर फोक्स यानी कि फिशर्स के जो मूवमेंट्स होते हैं, उनको कहीं पर भी नोटिस नहीं किया जाता है। अगर हम अकेडमिक डिस्कोर्स की यहाँ बात करें, ना ही किसी सिलेबस में उन्हें ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, ना ही उनके बारे में बात की जाती है। सो कई तरीके की रिलीफ जो है उसकी डिमांड की गई, किसके थ्रू? पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और चर्च लीडर्स के थ्रू। बट ये सिर्फ उनके लिए था जो कि किस चीज़ से सफ़र करे थे, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी। सो फिशर्स के मूवमेंट्स हम इस यूनिट में समझेंगे। सो अब हम देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल। ओके, सो जब हम बात करते हैं फिशर फोक्स की, जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, वो बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से? सबसे पहले तो जान लेते हैं ये बेसिकली कहाँ कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा, अंडमान निकोबार, पोंडिचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे फिशर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को, एक इंडियन इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है? फ़िश पकड़ना यानी कैचिंग, सेलिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग करना, फ़िश की मार्केटिंग करते हैं, बेचना उन्हें, इस तरीके से उनका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन चलता है। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, दे ऑल्सो लिंक इंडियन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ द मरीन प्रोडक्ट्स, यानी कि मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के थ्रू वो इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ज़रूर लिखना है। ओके, सो जो फिशर फोक्स होते हैं वो ज़्यादातर दूसरों पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी कमाई होती है वो बहुत कम होती है, पर डे इनकम उनकी रहती है, जिससे ज़्यादातर जो समुद्र में जब वो जाते हैं मछली पकड़ते हैं, तो कई बार क्या होता है, किसी न किसी वजह से उनका जो काम है वो नहीं चल पाता। ठीक है, सो इसलिए वो सबसे ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इसी के साथ वो किस चीज़ के विक्टिम रहते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर के। आपको पता है, जब जहाँ पे ज़्यादा समुद्र होते हैं वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। समुद्र में टाइफून का, सुनामी का, फ्लड का, कई तरीके के नेचुरल डिज़ास्टर का खतरा हमेशा बना रहता है। सो वो अपने घरों से हाथ धो बैठते हैं, अपने वेसल से, हर तरीके की जो लाइफ होती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में 1999 में, अफेक्ट किया सबसे ज़्यादा फिशर फोक्स को वहाँ पर। उसके बाद एक और जो सुनामी आया दिसंबर 26, 2004 में, जिसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया किसको? कोस्टल रीजन्स और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट के लोगों को। ठीक है, चलिए अब कुछ इश्यूज़ और डिमांड्स की बात कर ले। सबसे बड़ा जो इशू है फिशर फोक्स के लिए वो है उनका रिहैबिलिटेशन का इशू, यानी कि उनका जो रिहैबिलिटेशन है वो नहीं हो पाता है जब नेचुरल डिज़ास्टर होता है। सबसे बड़ी उनकी डिमांड यही है कि जब भी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उनका रिहैबिलिटेशन सही तरीके से किया जाए। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, यानी कि उन्हें उस जगह से हटाकर किसी सेफ जगह में ले जाना। ठीक है, उनकी जो बोट्स होती है, उनको लोन ग्रांट्स करवानी, ये सब प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। तो ये उनकी एक मांग है। दूसरी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, जो कि बेसिकली नेबर कंट्रीज़ जो होती है उनके बायलैटरल रिलेशन से आती है। बेसिकली हम बात हो रही है श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। सो उन्हें जो फिशर फोक्स होते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, किस चीज़ का आइडेंटिफाई? वो सी लाइन को नहीं देख पाते हैं इन सब कंट्रीज़ में, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए वो डिमांड करते हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखा जाए। ठीक है, चलिए लीडरशिप की बात कर लेती हैं, किन किन से लीडरशिप मिली है फिशर फोक्स मूवमेंट को। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, चर्च के थ्रू प्रोवाइड कराई गई, चर्च फादर्स के थ्रू, नंस, इंटेलेक्चुअल अकेडमी एक्टिविस्ट भी सामने आए, स्टूडेंट भी सामने आए, सोशल एक्टिविस्ट सामने आए, कुछ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स भी सामने आए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, सोशल एंड फिजिकल साइंटिस्ट, इनके थ्रू भी लीडरशिप प्रोवाइड कराएगी। इनमें से जो ज़्यादातर लोग थे वो फिशर फोक्स कम्युनिटीज़ के ही थे। ठीक है, सो ये काम करते थे एनजीओज़ के कंसर्न में, ये काम करते थे किस लिए, किसके लिए? सोशो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इशूज़ से निपटने के लिए। सो प्रोफेसर जॉन कुरियन जो थे, उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड कराई थी फिशर फोक मूवमेंट में एज एन इंटेलेक्चुअल अकेडमिक एक्टिविस्ट के तौर पर। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है थॉमस कोचरी की, इनका जो रोल था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। किसका? थॉमस कोचरी का। इनका जो नाम है आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप सिर्फ याद ही करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको समझनी है। जैसे कि इनका नेम, इनकी जो डेट्स है, कब ये मूवमेंट हुए, और ये थॉमस कोचरी, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने बेसिकली मूवमेंट स्टार्ट किया था 1980s में। ठीक है, इनका जो सबसे पहले कहाँ पर इन्होंने शुरुआत करी थी, कहाँ से शुरुआत करी? त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कंट्रोल लिया, मतलब कोचरी ने,
NFF का. NFF इसकी जो फुल फॉर्म है आपको बता दूँ, नेशनल फिशर्समैन्स फोरम, इसको भी आपको याद करना है. ठीक है, तो ये बेसिकली करा गया था किसके लिए, फिशरमैन्स के लिए. उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की एक केरला कैथोलिक बिशॉप कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की कहाँ पे, कोटायम में. तो जो कोचरी थे वो कोचरी जो थे वो रेडिकल थिंकिंग रखते थे, रेडिकल लीडरशिप उनकी ज़्यादातर थी. ठीक है, तो उन्होंने यानी कि कोचरी ने क्या ज्वाइन किया, ASKMTF. ये क्या है, ये एक फेडरेशन है जिसका क्या नाम है, ऑल केरला इंडिपेंडेंट फिशरमैन्स फेडरेशन. ये आपको याद करना है, ये कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आप याद ही कर सकते हो. द ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्प्लिट इन 1983. जैसे ही उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये स्प्लिट हो गई थी, यानी ख़त्म हो गई थी. ठीक है, चलिए अब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं. जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो कब लिया गया था ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कहाँ पर लिया गया था, विलेज में, स्टेट में और नेशनल लेवल्स में. इंडिया के नेशनल लेवल्स में ट्राई किए गए थे 1960s to 1970s में. सबसे जो अर्लीस्ट यूनियन जो कब फॉर्म किया गया था, 1963 में, कहाँ पे, क्विलिन डिस्ट्रिक्ट में जो कि केरला में है. 1980s में जो यूनियंस थी वो जो कहाँ कहाँ बनने लगी, कहाँ कहाँ आने लगी, एलिपी, कोचिन, त्रिवेंद्रम, मालाबार डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, तो इनका जो डायरेक्ट लिंक था वो किस चीज़ से था, कहाँ से था, रोमन कैथोलिक चर्च से और उनकी जो लीडरशिप में थी इन ऑर्गेनाइजेशंस में. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है केरला स्वतंत्र मलसाया थोजीलाली फेडरेशन, विच मीन्स KSMTF और केरला इंडिपेंडेंट फिशर वर्कर्स फेडरेशन. ठीक है, तो ये जो जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है. ठीक है, बट इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि इन्हें हिंदू और मुस्लिम का सपोर्ट चाहिए था, तो चेंज करके क्या रखा, अखिल केरला स्वतंत्र मलसाया थोजीलाली फेडरेशन, AKSMTF, which means All Kerala Independent Fishermen's Federation. चलिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट की बात करते हैं जो कि केरला में हुआ था. देखो केरला में जो मैंने आपको ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बताया हुआ है, तो यहाँ पे जो जो प्रोटेस्ट हुआ था किसके खिलाफ हुआ था, ट्रॉलर्स के खिलाफ. ट्रॉलर्स होती है जो जो पानी वाली जहाज़ें होती है, जो जलपोत जिसे कहा जाता है हिंदी में. ठीक है, तो इसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट किया गया था केरला में जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है. सो ये किसका रिजल्ट था, जो नॉन फिशरीज इन्वेस्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा फिशरीज इकोनॉमी में इंटरफेयर करे थे, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी था. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं श्रिम्प की, श्रिम्प होते हैं झींग वाली जो मछली होती है, वो केरला में सबसे ज़्यादा एक रिचेस्ट प्रोड्यूसर की तरह मानी जाती, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता था केरला में श्रिम्प. सो जो श्रिम्प की डिमांड थी वो बढ़ने लगी कहाँ पर, इंटरनेशनल मार्केट की जब हम बात करते हैं, स्पेशली USA में. ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो अब प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा क्या करने लगे, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, जिससे उनको तो फ़ायदा हो रहा था लेकिन नुकसान किसका हो रहा था, फिशर फोक्स का. सो इसके बाद जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, एक फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी और ट्रॉलर्स जो होते हैं यानी कि छोटी छोटी पानी की जो जहाज़ें होती हैं ना, उन्हें वो लाना शुरू कर रहे थे. इसके बाद जो है इन्वेस्टर्स और ज़्यादा जो है अब इसमें ट्रेड करना चाह रहे थे, यहाँ से प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे. ठीक है, तो उनकी एंट्रीज अब होनी शुरू हो गई थी, अपने जो जो प्रॉफिट मेकिंग इन्वेस्टर्स थे वो अब डायरेक्ट कंपटीशन में आ रहे थे फिशर फोक्स के साथ. ठीक है, इसके बाद जो है कंपटीशन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट किया गया. सो इस मूवमेंट में किस किस की डिमांड उन्होंने की, सबसे ज़्यादा उन्होंने बात की कुछ जो बहुत ही स्मॉल स्टेजेस के जो फिशर्स थे उनके लिए डिमांड की, कुछ फिशिंग जोन की. ठीक है, इसी के साथ उन्होंने क्या डिमांड की, जो जून से जुलाई तक के लिए जो ट्रॉलर्स हैं, ट्रॉलर्स का आना जाना सब कुछ पूरी तरीके से बंद कर देना, इसी के साथ परस्यू सीनियर ऑपरेशंस को पूरी तरीके बंद कर देना और बहुत ही कुछ वेलफेयर जो उपाय उनके लिए ढूंढने के लिए, ये सारी डिमांड इन्होंने करी यहाँ पे. ठीक है, जो वेलफेयर मेजर्स की वो बात कर रहे थे. सो इनकी जो डिमांड्स थी वो पूरी करने के लिए गवर्नमेंट्स ने कई एफर्ट्स किए, कई इन्होंने स्टेप्स लिए, बट इसका जो इम्प्लीमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाया. ठीक है, सो इसका यही रिजल्ट था और ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, आपको ज़रूर पढ़ लेना है. इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.